बहुत ही प्लेजेंट एनवायरमेंट वेरी प्लेजेंट ऑल द पीपल वेयर ऑन द सेम पेज बिलोंगिंग टू डिफरेंट पार्टीज दे वेयर ऑन द सेम पेज दैट वी हैव टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर देयर वर डिमांड्स फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेट So far as Article 370 was concerned, I said the matter is pending in the Supreme Court and let Supreme Court decide it. That was the point. मतलब आप ये चाहते हैं सर, आप ये चाहते हैं कि 370 और 35 ए पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले. डिसीजन ले. मतलब आप लोगों का कोई डिसीजन नहीं, आप चाहते हैं कि रिपील हो. That's to be argued in the court. आप चाहते हैं कि रिपील हो. It would be a contempt of court. सर आप चाहते हैं कि रिपील हो. सर सर डोंट क्वेश्चन इस सर आपने प्रधानमंत्री के सामने क्या इस बात की मांग रखी कि धारा 370 और धारा 35 ए को रिस्टोर किया जाए, इस बात की मांग रखी आपने? मैंने मांग सिर्फ नहीं रखी, लेकिन ये पॉइंट आउट किया कि आर्टिकल 370 के क्लास 3 में लिखा है कि ये आर्टिकल खत्म अगर कर सक करने का फैसला हो वो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मर्जी से होना चाहिए, और जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 1956 में कहा कि ये कंटिन्यू करना चाहिए. सर प्रधानमंत्री ने तीन मुद्दे रहे. सर प्रधानमंत्री ने आप लोग की बातचीत में क्या कहा? नहीं, वो तो वो उनका अपने अपने प्रेस सेक्रेटरी होगा, वो बताएगा. इट्स नॉट प्रॉपर फॉर मी टू से कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या मुद्दे. सर तीन मुद्दे अहम थे. पहला ये था कि वहां पे जो स्टेटहुड है उसको कंटिन्यू किया जाए. दूसरा चुनाव की बात थी और जिस तरह के वहां का एनवायरमेंट बना हुआ. स्टेटहुड के बारे में सब लोगों ने डिमांड की. जी जो जिन लोगों ने बोला स्टेटहुड के बारे में ऑलमोस्ट यूनानिमिटी थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का रिस्पॉन्स था कि पहले डिलिमिटेशन होना चाहिए, फिर आपने जो दूसरे इशू रेज किए हैं वो कंसीडर करेंगे. लेकिन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटहुड के बारे में कुछ नहीं कहा. कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ ये कहा कि पहले डिलिमिटेशन होना चाहिए, फिर दूसरे मुद्दे जो है उनको एड्रेस किया. चुनाव को लेकर कुछ कहा उन्होंने? कब तक चुनाव की संभावना? तो डिलिमिटेशन होने के बाद, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन ऑटोनोमस बॉडी है, जब डिलिमिटेशन हो जाएगी फिर दे विल डिसाइड व्हेन टू होल्ड द इलेक्शन. दो साल के बाद लगभग आप लोग गए थे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, कैसी मुलाकात रही? सेटिस्फैक्टरी रही? वेरी वेरी सेटिस्फैक्टरी, वेरी फ्रेंडली पीपल, वेर वेरी पोलाइट विथ ईच अदर. यू नो देयर वाज कंप्लीट यूनानिमिटी ऑन द इशू ऑफ रिस्टोरिंग पीस इन जम्मू एंड कश्मीर. There was no doubt about that, and that the people will work together despite political differences. Thank you. ठीक है, sir. एक मिनट सर.